রাজাও কা বৃত্তান্ত দুসরা ভাগ অধ্যায় দশ রাজাও কা বৃত্তান্ত দুসরা ভাগ অধ্যায় দশ আহাব কে তো সত্তর বেটে পোতে শুমরোন মে রহতে থে সো এহু নে শুমরোন মে উন পুর্নিয়ো কে পাস অর জো ইজরায়েল কে হাকিম থে অর জো আহাব কে লড়কে বালো কে পালনে বালে থে উনকে পাস পত্র লিখ কর ভেজে कि तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे रथ और घोड़े भी है और तुम्हारे एक गढ़वाला नगर और हथियार भी है तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसको छांटकर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो परंतु वे निपट डर गए और कहने लगे उसके सामने दो राजा भी ठहर न सके फिर हम कहां ठहर सकेंगे तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था उन्होंने और पुरुणियों और लड़के बालों के पालने वालों ने एहू के पास यो कहला भेजा कि हम तेरे दास हैं जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे हम किसी को राजा न बनाएंगे जो तुझे भाए वही कर तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा कि यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास इज़राइल में हाजिर होना राजपुत्र तो जो सत्तर मनुष्य थे वह उस नगर के रईसों के पास पलते थे यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन सत्तरों राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इज़राइल को उसके पास भेज दिए और एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया कि राजकुमारों के सिर आ गए हैं तब उसने कहा उन्हें फाटक में दो ढेर करके बिहान तक रखो बिहान को उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा तुम तो निर्दोष हो मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया परंतु इन सबों को किसने मार डाला अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिया के द्वारा कहा था उसे उसने पूरा किया है जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी तब अहाब के घराने के जितने लोग इज़राइल में रह गए उन सभों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सभों को एहू ने मार डाला यहां तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा तब वह वहां से चलकर शोमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अहिय्याह के भाई एहू से मिले और जब उसने पूछा तुम कौन हो तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम अहज्या के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशलक्षेम पूछने को जाते हैं तब उसने कहा इन्हें जीवित पकड़ो सो उन्होंने उनको जो 42 पुरुष थे जीवित पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला उसने उनमें से किसी को न छोड़ा जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उनको मिला उसका कुशल उसने पूछकर कहा मेरा मन तो तेरी ओर निष्कपट है सो क्या मैं तेरा मन भी वैसा ही है यहोनादाब ने कहा हां ऐसा ही है फिर उसने कहा ऐसा न हो तो अपना हाथ मुझे दे उसने उसका हाथ उसे दिया और यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा कि मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया शोमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया से कहा था अहाब के जितने शोमरोन में बचे रहे उन सबों को मार के विनाश किया तब एहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा अहाब ने तो बाल की थोड़ी सी उपासना की थी अब एहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा इसलिए अब बाल के सब नबियों सब उपासकों
और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई न आए वह जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नाश करने के लिए किया। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो, और लोगों ने प्रचार किया, और येहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहां तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो, और वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल लिया, सो वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब येहू रेकाब के पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहां तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक है। तब वे मेलबलि और होमबलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहराकर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण की संति जाएगा। फिर जब होमबलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए, और उन्होंने बाल के भवन में की लाठें निकालकर फूंक दी, और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर पायखाना बना दिया, और वह आज तक ऐसा ही है। सो येहू ने बाल को इस्राएल में से नाश करके दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग न हुआ। और यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है, और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न रहा। उन दिनों यहोवा इस्राएल को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा, यर्दन से पूरब की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रुबेनी और मनश्शेई का देश अर्थात अरोएर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है गिलाद और बाशान तक। येहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोआज अहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय तो 28 वर्ष का था।